हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर आयरन एंड कार्बन डस्ट से के मटेरियल से बना होता है। दोनों के मिक्सचर से बनाया जाता है। रजिस्टर करंट का बहाव रोकता है। रजिस्टर करंट और वोल्टेज को कम करता है। रजिस्टर को आर से डिनोट करते हैं। रजिस्टर को ओहम में मापा जाता है। ये रजिस्टर्स का सिंबल है, ये ज़िगज़ैग वाला, और उसको डिनोट ऐसे करते हैं, ये ओहम का सिंबल है। रजिस्टर के टू टाइप्स हैं, एक फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल रजिस्टर में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर का ये घुमा के सेट कर सकते हैं, कितना रजिस्टर चाहिए, कितना अपने को रजिस्टर की ज़रूरत है। ये कलर कोड्स हैं, ये कलर बैंड्स, सॉरी, ये कलर बैंड्स हैं, ये हर रजिस्टर पे रहते हैं। इस पे ये हर एक कलर का कोड है, ये अलग अलग कोड्स हैं, उसके हिसाब से ये कितने ओम का है रजिस्टर, ये पहचाना जाता है। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसीजर है और कॉम्प्लिकेटेड भी। इससे अच्छा हम मल्टीमीटर की यूज़ से इसका कितने ओम का है ये गिन सकते हैं। आजकल मल्टीमीटर सबके पास होता है, तो उससे गिनना चाहिए। ये ओम्स फार्मूला है, ओम्स लॉ फार्मूला। ओम्स एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने बनाया था। वी इक्वल टू आई इंटू आर, वी माने वोल्टेज, आई इक्वल टू करंट एंड आर माने रेजिस्टेंस। इसको याद करने के लिए आप वीर की स्पेलिंग ऐसे याद रख सकते हैं। इससे हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। ये फार्मूला यूज़ करके हम किसी भी सर्किट में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगेगा वो कैलकुलेट करते हैं, बाद में उतने ओम का रेजिस्टर लगाते हैं। थैंक यू गाइस, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए। और मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करना है, रजिस्टर की ओम गिनने के लिए, तो आप ऐसे कमेंट कीजिए, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आपके भी दोस्तों को ये जानकारी मिले। थैंक्स फॉर